आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, ये बरबटी बीन्स का प्लांट है और इस बीन्स को प्लांट को लगाने के लिए आप दो टाइम उपयुक्त होता है, एक तो गर्मी का और दूसरा बरसात के टाइम पे। गर्मी में जो ये प्लांट्स लगाए जाते हैं वो फरवरी एंड में लेकर के आप अप्रैल तक लगा सकते हैं, और दूसरा आप जून से लेकर के मिड जून से लेकर के लास्ट जुलाई तक लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जब इसकी जब सीडलिंग करें तो इसके सीड्स को पानी में पहले सोक कर दें, भिंगा दें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए नहीं भिगाना है, सफिशियंट है 4 से 5 घंटे के लिए। और इसको लगाने के लिए पॉट साइज जो है कम से कम 14 से लेकर के 16 इंच का रखें। और एक पॉट में आप अगर जैसे मेरा देख रहे हैं कि ये 16 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं 4 प्लांट एक साथ लगा रही हूँ। बिल्कुल वेल्डन सॉइल लें, 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं, और 20% रेत। इसमें मैंने थोड़ा सा बोन मील भी 1 चम्मच मिक्स किए हुए हैं, तो अगर कंफर्ट फील करते हैं तो बोन मील भी आप मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो फ्लावरिंग्स मतलब फ्रूट्स जो आते हैं लगभग 45 दिन से लेकर के 75 दिनों के अंतराल पर आ जाते हैं। 35 दिनों में फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और देख रहे हैं किस तरह से मेरे प्लांट्स में अच्छे से फली वगैरह आ गई। हालांकि अभी प्लांट्स मेरे छोटे हैं, अभी ग्रोथ बाकी है इसमें, और एक प्लांट पे कम से कम 120 फली आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का वैरायटी आपने सेम का चूज किया हुआ है। और इसमें जो फर्टिलाइजर है स्टार्टिंग में जो मैं काउडंग वगैरह मिक्स करती हूँ वो बस देती हूँ, और बाद में इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा जिस फर्टिलाइजर में अधिक हो उस तरह का फर्टिलाइजर चूज करें, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा फिर इसमें कम जरूरत पड़ती है। इसको फास्फोरस और पोटास चाहिए ज़्यादा अच्छे से फली करने के लिए, नहीं तो नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो इसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने बाद में इसमें बनाना पी लिक्विड फॉर्म और उसी के साथ मैं थोड़ा सा बॉर्नमील मिक्स करती हूँ। हर 15 दिन पे मतलब वो मुझे मिक्स करती हूँ मैं, और साथ में जो घर से ही बना हुआ कंपोस्ट है वो थोड़ा सा एक मुट्ठी ऐड करें, बस सफिशियंट है इतना इस प्लांट्स के लिए। इसमें वैसे इंसेक्ट वगैरह तो अभी फिलहाल नहीं लगे हैं, लेकिन कभी इस पे फंगस वगैरह या एफिड्स वगैरह लगते हैं तो नीम ऑयल का नॉर्मली स्प्रे कर दें फ्रेंड्स। और इस प्लांट्स को दोबारा जब बरसात में लगाना हो, क्योंकि अभी 1 मई है, वीक है मई का, तो आप इस समय लगा सकते हैं, उसके बाद ना लगाएं। उसके बाद आप 15 जून से लेकर के लास्ट जुलाई तक इस प्लांट्स को ग्रोथ करें, मतलब इन्वायरमेंट में थोड़ी गर्मी होनी चाहिए तभी ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं और फ्रूट्स होते हैं। और ये देखिए मेरा ये परवल का प्लांट है, ये भी थोड़ा सा अब अच्छे से ग्रो कर रहा है, हालांकि लेट हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।